टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। हमने लास्ट वीडियो में ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 लुकिंग अराउंड, उसे एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उसके टेक्स्ट बुक फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 1 ऑफ साइंस बुक। सी, सबसे पहले क्या लिखा है? कलर द लिविंग थिंग्स ग्रीन एंड थी नॉन लिविंग थिंग्स रेड। तो हमें ये पिक्चर, अगर लिविंग थिंग्स है तो उसे ग्रीन कलर कर देना है, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो रेड कलर कर देना है। तो सी, सबसे पहले चाइल्ड इज लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग, तो यहाँ हम करेंगे ग्रीन कलर। देन बॉल लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वेरी गुड, नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ हम करेंगे रेड कलर। देन टॉय, ये एक टॉय कार है। ओके, सो नेक्स्ट इज टॉय, ये एक टॉय कार है। तो इट इज लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग, तो हम करेंगे रेड कलर। नाउ सी फ्लावर, फ्लावर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग, तो हम करेंगे ग्रीन कलर। देन गॉट लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग, तो हम करेंगे ग्रीन कलर। उसके बाद आता है चेयर, तो चेयर लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग, तो हम करेंगे रेड कलर। देन ये किसका पिक्चर है? ट्री, ट्री इज लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग, सो ग्रीन कलर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक पेज नंबर 4। सी, सबसे पहली एक्सरसाइज है राइट द नेम्स ऑफ 3 नेचुरल थिंग्स एंड 3 मैन मेड थिंग्स। तो हमें क्या करना है? 3 नेचुरल थिंग्स और 3 मैन मेड थिंग्स के नेम लिखने हैं। आप सब लोग मेरे साथ ही यहाँ ऐसे लिखते जाना। तो सबसे पहले है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मतलब थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर, ऐसे थिंग्स जो नेचर ने बनाई है। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल थिंग्स। क्या आएगा नेचुरल थिंग्स में? सन, एस यू एन सन। फिर ट्री, टी आर डबल ई ट्री। फिर क्या आएगा? चलो थिंक करो सब लोग। यस, स्टार, एस टी ए आर स्टार। नाउ मैन मेड थिंग्स, ऐसे थिंग्स जो मैन ने बनाई है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स। यस, टेबल, टी ए बी एल ई टेबल। देन चेयर, सी एच ए आई आर। और क्या आएगा मैन मेड थिंग्स में? पेन, पी ई एन पेन। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। आपको ब्लैंक के बाद यहाँ 2 वर्ड्स दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट वर्ड है, जो सही वर्ड है, वो आपको ये ब्लैंक में फिल करना है। सी नंबर 1, ऑल एनिमल्स एंड डैश आर लिविंग थिंग्स। सारे एनिमल्स एंड डैश वो लिविंग थिंग है। तो कौन लिविंग थिंग्स आता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स या एनिमल्स एंड स्टार्स? एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो आंसर आएगा पी एल ए एन टी एस प्लांट्स। नाउ सी नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स आर डैश। सारी लिविंग थिंग्स नेचुरल होती है या मैन मेड होती है? नेचुरल, तो लिखो एन ए टी यू आर ए एल नेचुरल। नंबर 3, लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ग्रो। लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड या क्लोथ्स, किसकी जरूरत होती है? फूड, तो एफ डबल ओ डी फूड। देन बर्ड्स आर डैश थिंग्स। लिविंग या नॉन लिविंग? बर्ड लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग, सो राइट लिविंग एल आई वी आई एन जी लिविंग।
तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. सी टिक राइट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ये सारे फीचर्स लिखे, उसमें से जो फीचर लिविंग थिंग का है उसके सामने जो बॉक्स दिया है वहां हमें ऐसे राइट करना है. तो सबसे पहले दे मूव, तो हमें क्वेश्चन पूछना है कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं. यस, तो ये लिविंग थिंग का फीचर हुआ, तो हम करेंगे राइट. फिर दे डू नॉट ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. ये सही है या गलत है? गलत है, लिविंग थिंग्स को तो एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो ये लिविंग थिंग का फीचर नहीं है, तो हम राइट नहीं करेंगे. देन दे ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. यस, तो टिक करना है. फिर दे डू नॉट नीड वाटर, लिविंग थिंग्स को वाटर की जरूरत नहीं होती है, तो ये तो गलत है, लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए, तो ये लिविंग थिंग्स का फीचर नहीं है. दे डू नॉट ईट, राइट या रॉन्ग, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, यस या नो? यस, पर यहाँ तो लिखा है कि दे डू नॉट ईट, वो लोग ईट नहीं करते हैं, तो ये लिविंग थिंग का फीचर नहीं है. देन दे फील, हम लोग ने सीखा था ना, लिविंग थिंग्स कैन फील, सो दिस इज द फीचर ऑफ लिविंग थिंग, तो हम टिक करेंगे. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, हमने क्या सीखा था कि लिविंग थिंग्स कैन डू रिप्रोडक्शन, पर यहाँ लिखा है कि दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो ये फीचर नहीं है. देन दे नीड एयर, तो राइट. अब नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ फोर सेंटेंस दिए हैं आपको, अगर ये सेंटेंस सही है मतलब कि ट्रू है तो आपको लिखना है टी, अगर ये सेंटेंस गलत है फॉल्स है तो आपको लिखना है एफ. तो चलो हम नंबर वन रीड करते हैं. सन इज अ लिविंग थिंग, सन लिविंग थिंग है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, तो हम लिखेंगे एफ. देन ट्रीज आर नेचुरल थिंग्स, यस ट्रीज नेचुरल थिंग्स होते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है, तो हम लिखेंगे टी. लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये सेंटेंस क्या कहता है कि लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, पर हमने क्या सीखा था, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, सो दिस सेंटेंस इज ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, तो हम लिखेंगे एफ. देन नंबर फोर, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, तो लिखेंगे टी. नाउ टेक पेज नंबर 5. व्हाट इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द नेम्स ऑफ 4 नॉन लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम. चलो बच्चों, अब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, तो आईज क्लोज करके इमेजिन करो और अपने आजू बाजू विजुअलाइज करो कि क्लासरूम में ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है. यस, सबसे पहले आपके मैम जो बोर्ड पे लिखते हैं वो नॉन लिविंग थिंग है, तो लिखेंगे बोर्ड, बी ओ ए आर डी, बोर्ड. देन नंबर 2, डोर, डी डबल ओ आर, डॉट. फिर फैन, एफ ए एन, फैन. देन और कौन से नॉन लिविंग थिंग है आपके क्लास में? टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल. नाउ सी, उसके नीचे कौन सा एक्सरसाइज है? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स. ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ये पिक्चर देखना है, और अगर जो पिक्चर है वो नेचुरल थिंग है तो एम लिखना है, एंड अगर मैन मेड थिंग है तो ये बॉक्स में एम लिखना है. सबसे पहले ये किसका पिक्चर है? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज नेचुरल थिंग या मैन मेड थिंग? मैन मेड थिंग, तो हम लिखेंगे एम. देन क्लाउड, क्लाउड इज नेचुरल थिंग या मैन मेड थिंग? नेचुरल थिंग, तो हम लिखेंगे एन. देन टीवी, टीवी इज नेचुरल थिंग या मैन मेड थिंग?
मैन मेड थिंग, तो हम लिखेंगे एम। फिर विच पिक्चर इट इज, माउंटेन्स नेचुरल थिंग्स या मैन मेड थिंग, नेचुरल थिंग, तो लिखो एन। फिर ये क्या है, एंट, एंट एक इंसेक्ट है, तो वो नेचुरल थिंग हुआ या मैन मेड हुआ, नेचुरल, तो लिखेंगे एन। फिर कार, कार इज नेचुरल थिंग या मैन मेड थिंग, मैन मेड थिंग, एन। देन माउस, रैट है ये, तो रैट नेचुरल थिंग है या मैन मेड थिंग, नेचुरल, तो हम लिखेंगे एन। फिर एप्पल, एप्पल नेचुरल थिंग है या मैन मेड थिंग है, नेचुरल थिंग, तो लिखेंगे एन। अब ये लास्ट जो है वो वेब चार्ट है, से सबसे पहले थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी थिंग्स है उसे हमने ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट लिविंग एंड सेकंड नॉन लिविंग। तो अब आगे लिविंग थिंग्स में और दो एग्जांपल लिखने हैं, प्लांट्स, तो और क्या आएगा लिविंग थिंग में, एनिमल्स या ह्यूमन बींग, हम अभी एनिमल्स लिखते हैं, ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स। नाउ सी नॉन लिविंग थिंग, तो ये जो दो बॉक्स है उसमें आपको नॉन लिविंग थिंग के दो एग्जांपल लिखने हैं, हम क्या लिखेंगे, टेबल एंड चेयर। तो सबसे पहले टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल, एंड चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर। तो यहाँ सारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज फिनिश हो गई, थैंक यू।